फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे एक मैंगो प्लांट का ग्राफ्टिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ग्राफ्टिंग करने के लिए पहले तो एक बहुत ही अच्छा रूट स्टॉक का ज़रूरत है। तो एक रूट स्टॉक मैंने सीड से उगाया हूँ। ये मेरा 6 महीना पुराना रूट स्टॉक है। आप देख सकते हो कितना अच्छे से ग्रो हुआ है। इसको मैंने नर्सरी ग्रो बैग पे ही लगा के रखा था, क्योंकि इसका जो रूट स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से ग्रो होना चाहिए। इसके बाद जो चीज़ चाहिए वो है एक सीजर, एक ग्राफ्टिंग नाइफ, आप कोई धारदार ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक ग्राफ्टिंग टेप और कवर करने के लिए एक छोटा सा प्लास्टिक बैग। फ्रेंड्स, रूट स्टॉक जितना इम्पोर्टेंट है, अच्छा सियोन कलेक्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सियोन कलेक्ट करते हैं। ये मेरा थाई वेराइटी का ऑल टाइम मैंगो प्लांट है। इधर से ही मैं सियोन कलेक्ट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, कौन सा ब्रांच को पहले सिलेक्ट करना है और कौन सा ब्रांच को नहीं सिलेक्ट करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो न्यू ब्रांच निकल के आया है, इसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये ब्रांच यूज़ करने से सक्सेस नहीं होगा। तो आप देख सकते हो ये जो डीप ग्रीन कलर का मैच्योर ब्रांच है, इसको ही लेना है। मैं इस ब्रांच को कट करने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, जो सीवन मैंने कलेक्ट किया उसका सारी लीफ को कट करने वाला हूँ। आप देख सकते हो मैं कैसे सारी लीफ को कट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुपम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग पे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सभी लीफ को कट करने के बाद इसके ऊपर एक वी कट लगाना है, क्योंकि आज मैंने जो ग्राफ्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो वी ग्राफ्टिंग है। तो मेरा जो ग्राफ्टिंग नाइफ है उससे मैं एक वी कट लगाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, वी कट लगाने से पहले एक बात ध्यान में रखना है, इसका जो कट है वो सर्फ होना चाहिए, क्योंकि एक साइड मोटा और एक साइड पतला होगा तो ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगा और जल्दी सूख जाएगा। आप देख सकते हो मैंने कितना सर्फ कट किया। अब मेरा जो स्टेप है उसको फॉलो कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे रूट स्टॉक का कौन सा पोर्शन में ग्राफ्टिंग करने से जल्दी सक्सेस आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो डीप ग्रीन वाला पोर्शन है उधर मैं कट करने वाला हूँ। इसके बाद स्टॉक के ऊपर एक पतला सा चीरा लगाना है। आप देख सकते हो मैंने कैसे एक पतला सा चीरा लगाया सियोन के ऊपर। तो आप मेरे ये जो स्टेप है इसको फॉलो करते जाइए और जो सक्सेस है वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% सक्सेस होंगे। इसके बाद एक ग्राफ्टिंग टेप लेना है और पहले से जो सियोन को वी कट करके रखा था उसको स्टॉक के ऊपर ऐसे ही लगा देना है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो इधर जो स्टॉक का जो साइज है और सियोन का जो साइज है वो एक ही बराबर है। कम ज़्यादा होगा तो ग्राफ्टिंग में सक्सेस
नहीं आ पाएगा। तो पहले ये जो ग्राफ्टिंग टेप है इसे मैं अच्छे से कस के बांधने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी एयर और पानी पास करेगा तो ये सड़ जाएगा और सूख जाएगा। इस तरीके से आप लोग एक सीड से उगाया हुआ प्लांट से 2 से 2.5 साल के अंदर बहुत सारा फ्रूट ले सकते हो, क्योंकि इसका जो नीचे वाला जो स्टॉक है वो सीड से उगाया हुआ है और ऊपर का जो सियोन है वो एक मीठा और बहुत ही अच्छा वैरायटी का मदर प्लांट से लिया हुआ सियोन है। इधर मैंने जो सियोन का यूज़ किया वो एक थाई वैरायटी का ऑल टाइम मैंगो है। इसका जो टेस्ट है वो बहुत स्वीट होता है, फ्रूट्स का जो कलर और शेप है वो भी अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी से पेड़ पे फ्रूट आने लगता है। इसके बाद एक छोटा सा प्लास्टिक पीपी लेके इसका ऊपर कवर करना है, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा और ग्राफ्टिंग का जो सक्सेस रेट है वो 99% तक रहेगा। अभी इस प्लांट को एक सेमी सेटेड एरिया पे, जिधर ज़्यादा धूप ना आए उस तरह एक एरिया सिलेक्ट करके उधर ही रख देना है और हफ्ते में 4 बार पानी देना है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे ये जो ग्राफ्टिंग है ये सक्सेस हुआ या नहीं। इसके बाद हम लोग इसको एक बड़ा सा पॉट में शिफ्ट करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।